मैसेल्फ जेबी फ्रॉम स्टडी आईक्यू, मैं इंटरव्यू पे जाने वाले बच्चों से बात करना चाहता हूँ। वो इशू ये है भाई, इंटरव्यू में फ्रेंड्स वो ज़रूर आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको इंटरव्यू से जाने से पहले कुछ दिन एक ओवरव्यू लेना चाहिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने साइंस की हुई है, आपने लॉ किया हुआ है, कॉमर्स किया हुआ है, एक ओवरव्यू ले लें। मैं ये नहीं कह रहा भी आप पूरी तरह पढ़ना शुरू कर दें वो सारे सालों की पढ़ाई, ऐसा संभव नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। एक ओवरव्यू ले लें और उसे देखें आप कौन से कॉलेज या स्कूल, कैसे कैसे स्कूलिंग की, कॉलेज कहाँ किया पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वहाँ वो डिग्री आपने कहाँ से ली, ये सारा देखें। इसके साथ वो जो आपने क्वालिफिकेशन अक्वायर की है उसकी बैंकिंग से क्या रेलेवेंसी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू लेने वाले बच्चों से ज़रूर पूछते हैं। आप उसे जस्टिफाई करेंगे भाई, सपोज़ आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप कैसे बैंक में रेलेवेंट रहोगे? आप सोचें थोड़ा सा फ्रेंड्स, आप जहाँ भी सुन रहे हैं देख रहे हैं तो आप देखें आप क्या आंसर देंगे इसका। सच्चाई ये है इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं है। आप ये कहेंगे भाई आप ने डिग्री की हुई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है या दूसरी इंजीनियरिंग के किसी डिसिप्लिन में किया हुआ है, आप कंप्यूटर सेवी हैं, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, और जो आज की बैंकिंग है वो गैजेट ड्रिवन है, वो ऑनलाइन बैंकिंग का चलन है, आगे आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा और नए ढंग की बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी हो सकता है भाई जो ब्रांचेज हैं बैंकों की वो ऑनलाइन ही हो जाएं, कुछ इस तरह के सिस्टम जो डेवलप आजकल हो रहे हैं तो उसके लिए भी जगह बन रही है और इसे सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर रही है। तो आप बताएं उन्हें भी आप वेल वर्स होने के, सिस्टम के होने के, की जो आपकी योग्यता है वो आपको बैंक में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देने के समर्थ होगी। कभी भी आप ये ना कहें भाई ये आपकी क्वालिफिकेशन की बात छोड़ दें, आप ये कहें भाई मैं बैंक में अच्छी तनख्वाह मिलती है या एक अच्छा करियर है इसलिए मैं बैंक ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो पूछेंगे भी आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो भाई यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बैंक। तो मोटिव आप ये रखें भी आप कमिटेड हैं बैंक में सर्विस देने के लिए और अच्छी सर्विस देने के लिए, और ऑनलाइन बैंकिंग जो उसका चलन है उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रह सकती है। एक आप जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है उसके संबंध में जो कोई न्यूज़ में कोई इशू है तो उसके बारे में ज़रूर पूछते हैं। सपोज़ आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो वो आपसे पूछेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है या इंजन्स के बारे में या कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, तो ये सारी चीज़ें देख के जाएंगे आप, ये ज़रूरी है आपके लिए ये देख के जाना। फिर ये भी देखेंगे आप जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें कोई कंसेप्ट पूछ लेते हैं, कोई एरिया पूछ लेते हैं, कई दफ़ा बच्चों से ये पूछ लेते हैं भी डू यू थिंक दैट यू हैव गॉट मास्टरी ओवर दिस सब्जेक्ट। तो आप कभी भी कोई मास्टर नहीं हो सकता, आप ये नहीं कहेंगे मैं इस पे मास्टर हूँ, आप कहेंगे मैं इस पे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता हूँ। वो कई दफ़ा पूछते हैं नेम द सब्जेक्ट विच इंटरेस्ट यू मोस्ट, तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में बताएं जिसके बारे में आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा इसका बड़ा ये टेढ़ा क्वेश्चन है, इस पे आगे क्वेश्चन बहुत जनरेट होंगे, जो भी वो पूछेंगे आगे क्वेश्चन जनरेट होंगे। उसके साथ अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप
सेटिस्फाइड ना समझें आप इसी बात पे भी, आपको कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपका तो क्वालिफिकेशन रेलिवेंट है बैंकिंग के, तो कॉमर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। फिर बहुत सारे इश्यूज हैं जो इस वक्त कंट्री के सामने दरपेश हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं, जो इकॉनमी से रिलेटेड हैं, कॉमर्स से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो ये सभी बच्चों को पूछ सकते हैं। तो ये इसका एंड नहीं। एक बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वो ये है भाई, वो पूछते हैं भाई आपकी सपोज क्वालिफिकेशन में गैप आ गया, आपने 2017 में किया था, पास आउट किया ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो पूछते हैं भाई आपने पढ़ाई क्यों नहीं कंटिन्यू की, तो उसका भी आपको एक सही आंसर अभी से इंटरव्यू से पहले सोच के जाना है, क्योंकि अगर आप इसका आंसर इंटरव्यू में तैयार करके सोच के बोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी आंसर आपसे दिया भी नहीं जाएगा और फ्रेंड्स ये अच्छा आंसर भी नहीं होगा। इसलिए आप अभी से सोचें भी क्यों ये गैप रहा, उसकी क्या वजह है। कई दफ़ा बच्चों की क्वालिफिकेशन किसी और डिसिप्लिन में बहुत अच्छी होती है, वो पूछते हैं वाई नॉट टीचिंग, आपने टीचिंग क्यों नहीं ज्वाइन की, आप टीचिंग क्यों नहीं करना चाहते, जबकि आपकी क्वालिफिकेशन जो है बहुत रेलिवेंट है टीचिंग के लिए। तो आप वहाँ कहेंगे भी मैं बैंकिंग में ही इंटरेस्टेड हूँ, मैं सारी ये जो क्वालिफिकेशन या नॉलेज है जितनी भी मेरे को से एकत्रित हो सकी है, मैं बैंकिंग में ही इसे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। कई दफ़ा हम कोई कोर्स कर रहे होते हैं जो बैंकिंग से ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता, अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं आप, अभी वो कंक्लूड होने वाला है, वो पूछते हैं फिर कंक्लूड करके बैंक की नौकरी छोड़ देंगे आप अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आप कभी भी इस तरह के कैंडिडेट नहीं हो सकते, मींस ऑलवेज होपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ग्रीन पैचर्स, वो उस तरह के नहीं हमने वहाँ प्रेजेंट करना अपने आप को। हम कहेंगे जी मैं एक कमिटेड बैंकर ही बनना चाहता हूँ और बैंक में ही कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा और बैंक में ही रहूँगा, यहीं मैं अपना करियर तलाश करूँगा। तो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन के बारे में काफ़ी आपको काम करना चाहिए और उसे देखना चाहिए डिफरेंट आस्पेक्ट से, उसे खुद एक ओवरव्यू लेना चाहिए, और अगर कोई आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है उसके बारे में ज़रूर दोबारा देखें उसे। ये नहीं हम वहाँ इंटरव्यू में कह सकते जी मेरे को तो अब याद नहीं है ये प्रोजेक्ट क्या था, ऐसा नहीं कर सकते हम, तो मैं भूल गया, नहीं। आप उस प्रोजेक्ट को दोबारा देखें, किस लिए किया, कैसे किया, किसने आपकी हेल्प की, कोई मेंटर था आपका, तो ऑनेस्टली आप बताएं, और उसकी यूटिलिटी क्या है। तो वो नेचुरली आप जो कोर्स कर रहे होंगे उससे रेलेवेंट होगा अगर, तो वो कैसे है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे से करेंगे। और फिर कोई ऑनलाइन पे कोई इश्यूज हैं जो इस वक्त चल रहे हैं तो उन्हें भी आप एक बार देख के जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा आप अच्छे से अपनी जो क्वालिफिकेशन आपने अर्जित की हुई है उस पे एक अच्छे से देख के जाएंगे और मेहनत से जाएंगे ताकि आप वहाँ विनर हों, सक्सेसफुल हों। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।